अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग का टाइटल से आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो आज मैं टॉपिक है मेरा सास का जुल्म और बहू की बेबसी। तो मैं सोची क्यों ना सबसे मैं बात करती हूँ। मुझे आजकल जो मैं जितना मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और मुझे जितना एक्सपीरियंस है, पहले तो नहीं था इतना ज़्यादा मुझे, मैं खुद बहुत ही एकदम ये सब चीज़ में मतलब बहुत ये थी, नहीं समझ पाती थी मैं जब तक मेरे सास ससुर रहे। तो मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ कि बहू के ऊपर कितना जुल्म होता है, तो उसे कितना मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, आज भी कितनी सारी बहनें हैं जो ये दर्द से गुजर रही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे बातें करनी चाहिए कि मैं इस बारे में मैं अपनी राय दूं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं किसी के बारे में सुनती हूं कि बहू पे टॉर्चर किया जा रहा है, बहू को मारा जाता है। शहर में तो नहीं, लेकिन गांव में अभी भी हाथ उठाया जाता है, सास से मारती हैं बहू को। तो ये कहाँ का मतलब, ये कैसा है मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये किसने हक़ दिया उन्हें मारने का कि आप अपनी बहू पे हाथ उठाओ मारो। मारने का हक़ आपको नहीं है, वो भी किसी की बेटी है, किसी के जिगर का टुकड़ा है आपको देते हैं, और आप उसे क्या समझते हो, बनवा मत समझते हो कि उसे मारोगे पीटोगे, अपने हिसाब से रखोगे। वो एक औरत इतनी मोहब्बत से आती है, अगर वो शादी करके जाती है और अपने ससुराल जाती है तो बहुत सारे अरमान दिल में लेकर के जाती हैं। मोहब्बत में तो औरत क्या नहीं कर दे, आप हर काम करती है घर का, और उतना प्यार से मोहब्बत से रहती है, ख्याल रखती हैं सबका, उसके बाद भी उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, बात बात पे ताना मारा जाता है। तो ये जुल्म है और जुल्म नहीं करना चाहिए। औरत ऐसे भी मजलूम होती है, और मजलूम पे जुल्म नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे मेरी बेटी है तो जिसको करके लाए हो बहू बना के, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी के जिगर का टुकड़ा लाए हो, तो उसे उस प्यार से मोहब्बत से ट्रीट करो, और बहुत समझाओ। अगर कहीं पर उससे गलती हो जाती तो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे समझा सकते हो ना, कि उसे एकदम उसके ऊपर एनी टाइम उसको टॉर्चर करना, उसे डिस्टर्ब करना, उसे मतलब वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं सकती है। ससुराल मतलब ससुराल बोल के ना बहुत रूह कांपता है मेरा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर बहुत मैं निभा दी और इतना साल रह ली, लेकिन अब जो मैं देखती हूँ ना सबको, तो मुझे बहुत हैबत होती है कि वाकई रहना मुश्किल मतलब इतना आसान नहीं है ससुराल रहना। मैं भी रही हूँ, और मैं खैर मेरे सास ससुर वैसा नहीं थे, चलो और माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, लेकिन जो एक डर एक खौफ जो रहता है ना बहू के दिल में बहुत ज़्यादा रहता है, डर रहता है सास ससुर का, टाइम से कुछ गलती नहीं हो जाए, टाइम से खाना नहीं बनेगा, टाइम से उन्हें मिले नहीं कुछ, तो एकदम वो हैबत में रहती है बहू ना, एनी टाइम ना अपने ससुराल में हैबत में रहती। मैं खुद थी हैबत में, और मैं डरे डर रहती थी, मैं हंसना भूल गई थी, मैं खामोश रहती थी, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। कोई आता था तो मैं बोलती चुप पापा है, ज़्यादा ज़ोर से बात करेंगे तो वो उनको लगेगा। तो मैं ऐसे ना, अपनी बहन भी आती थी मेरी ना कभी, तो मैं उन्हें मतलब किचन में हम लोग बात नहीं करते थे आपस में, क्योंकि मैं ससुर तो होता है वो डर खौफ रहता है बहू के मन में। लेकिन मैं बोलती हूँ कि वैसा मत रखो, बहू को भी बेटी जैसा मानो, प्यार दो, इज्जत दो, उसे भी बेटा बना के जैसे जैसे अपने बच्चे हैं, औलाद है, वैसे तुम भी हो, घर का हिस्सा है, ज़िंदगी उसके साथ जितना साल भी इंसान जीता है, तो मोहब्बत से रहो ना, कि उसके ऊपर थोप दिया जाए कि उसी का फ़र्ज है वही करे एकदम हर कुछ, सबका ख्याल रखे, तो ये गलत है। और मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि भाई क्यों मारोगे, आपको मारने का हक है ही नहीं, अल्लाह ने दिया ही नहीं आपको यह हक कि आप किसी की बेटी को बहू बना के लाते हो, उसे मारो पीटो टॉर्चर करो। इस्लाम में अगर वो करके देती हैं आपके लिए, अगर वो घर का काम करती है, आपका ख्याल रखती है, आपको उस टाइम से दवा है पानी जो भी चीज़ आपका टाइम टू टाइम सब कुछ करके देती, और क्या चाहिए, कौन देता है इतना करके। अगर कोई इंसान करके दे रहा उसके ऊपर भी आप मार रहे हो, उसे पीट रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जाती है ये सरासर गलत है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ ये माँ इतनी मोहब्बत दिल होती है, लेकिन वो माँ जब सास बन जाती तो इतनी इतना जहर कहाँ से भर जाता है उनमें, इतना मतलब उनके नफरत बहू के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी सब सास ऐसे ही होती हैं, ऐसा नहीं है, सब सास ऐसे नहीं होती हैं, कुछ सासें आज भी इतनी अच्छी हैं ना कि बहू को बेटी जैसा मानती। मेरी सास खुद मैं इस चीज़ का अल्लाह उनको जन्नत दे, मेरी सास ना मतलब बेस्ट सास थी वो, मैं इस चीज़ के लिए मैं उनकी राय बराबर भी बुराई नहीं करूँगी, वो बहुत अच्छे थे, बेटा करके ही बात करते थे मुझसे, आप करके बात करते थे, और मुझे कभी मैं वाहिद मतलब मुझे ये चीज़ का गर्व है कि मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी सास है वो, ये चीज़ का मुझे नाज है मालूम इस चीज़ पे कि मेरी सास अल्लाह उनको बहुत मतलब, मैं जब भी दुआ करती हूँ सास के दिल से दुआ ही करती हूँ
मैं ना वैसी बहू थी, मैं कभी भी उनको शिकायत का मौका नहीं दी। अल्लाह करम था, इतनी अच्छी परवरिश थी कि बहुत अच्छी बहू बन के दिखाई और साबित भी हुई। और इसी का सिला है, उसी का मतलब आज है कि आज इस मुकाम पे हूँ मैं, आज अच्छे हूँ। इतना कुछ ऐसे सहने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी आज मैं इज्जत से, मेरा हक है। और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी, तब तक मेरे बच्चों पे, मेरे इस घर पे, मतलब बच्चों से, बच्चों के साथ, घर तो खैर बच्चों का है, मेरा हक से ही हूँ मैं। आज जो मैं यहाँ हूँ ना, इस घर में हूँ, तो ये हक से ही हूँ। और इतना क्यों हूँ ना उन लोगों के लिए, शायद उसी का सिला है कि मैं हक से इस घर में हूँ। तो मैं नहीं बोलती कि हर सास गलत होती है, लेकिन कुछ सास से ना बहुत डेंजरस होती है। पता नहीं उनके मन में इतना ज़्यादा जहर होता है बहू के लिए कि रात दिन बहू की शिकायत, बहू की शिकायत, जहाँ पीठ नहीं घुमा कि बहू को ताना मारना, बहू को शिकायत करना। नज़रअंदाज करो ना, रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने में है, नज़रअंदाज करने में है। छोड़ दो ना, अगर बेटा बेटा करके प्यार से बात कर लो, कभी उसको तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो देर तक सोई है तो क्या हो गया, उठेगी तो वही करेगी, उसका घर है, वो काम करे, आप खुद अपने हाथ से चाय बना के पी लोगे तो क्या हो जाएगा। इंतजार में रहोगे सुबह 5 बजे से उठ जाए बहू चाय बना के दे, ये कहाँ लिखा है ऐसा कि कहीं बहू ही करे, बहू के ऊपर फर्ज है। बेटा के ऊपर फर्ज है, अपने बेटा से करवाओ ना, बहू को क्यों इतना टॉर्चर करना। प्यार से उसी चीज़ को अगर बहू को प्यार से बोलोगे तो बहू इनकार नहीं करेगी कि नहीं नहीं करके देगी, वो पूरी रात खड़े रहेगी और सेवा करेगी, या करेगी आपकी बहू आपके लिए सब कुछ करेगी। लेकिन जब उसे कुछ होता है, उसको उसे भी समझो कि वो उसे क्या लगता है। तो पता नहीं मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी कि मैं एकदम सास के खिलाफ बोल रही हूँ। मैं सास के खिलाफ, सास के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैं सुनती हूँ, देख रही हूँ ना कि बहू की बुराई, बहू को मारा जाता, पीटा जाता ना, ये जुल्म करना बहू के ऊपर बंद कर दो प्लीज़। मेहरबानी होगी कि किसी भी बच्ची के साथ ये ज्यादती मत करो, ना उसे मारो पीटो, प्यार से। अपना बेटा कितना प्यारा होता है ना, तो उसकी ही वो सरीके हयात बन के बना के लाते हो, तो उससे भी मोहब्बत करो, उसे भी वो इज्जत, वो प्यार दो जो अपनी औलाद के लिए दिल में है, वैसे उसके लिए भी करो। अपने दिल को साफ रखो, मैं ये बोलती हूँ। जिस दिन सारी माएँ ऐसी हो जाएंगी ना, उस दिन कोई भी बेटी, मतलब उसे डर नहीं होगा, ससुराल जाने से खौफ नहीं होगा, और वो अपनी माँ जैसे ही समझेगी। आप बेटी मानोगे ना, तो वो भी आपको माँ जैसा ही इज्जत देगी। ऐसा नहीं है, सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, ये भी मैं सुनती हूँ, पर ऐसा नहीं है। अगर मानोगे तो हाँ, वो नहीं बन सकती, ठीक है, वो सास है, सास ही रहेंगी, लेकिन सास भी अगर माँ का मोहब्बत देगी ना, तो वो भी समझेगी कि चलो मेरी माँ जैसी है, ये माँ नहीं है पर माँ ही है ये भी। और जैसे अपने शौहर की माँ हो, अपनी माँ होती, वैसे अपने शौहर की माँ है। तो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, अगर बहू को बेटी बना के रखोगे, बेटी से जैसा इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, और नहीं मिलोगे तो। आजकल के ज़माने में तो हम लोग तो फिर भी बर्दाश्त करके रह गए इतना साल, आजकल की बहुएँ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करती हैं, वो तो एक बोलोगे तो दो सुनाएगी। तो फिर इसलिए इसमें भलाई है कि अपनी बहू के साथ भी प्यार से रहे, उसे भी स्पेस दे। अगर वो कहीं जा रही है अपने शौहर के साथ घूम रही है, तो उसे रोके ना, टोके ना, कुछ बोले ना, जाओ खुशी खुशी जाओ बेटा, खुश रहो। और अपना अपना जो बनता है, अगर अल्लाह आपको सेहत दिया तो अपना काम अपने से ही भी करो, और काम करने में कोई बुराई नहीं है कि आप बहू के हाथ से चाय पियोगे, अपने से ही बना के पी लो, कभी बहू को ही बना के पिला दो, वो खुद भी खुश हो जाएगी। आप एक बार बना के करो तो सही, बहू को वो मोहब्बत बेटी जैसा करके दिखाओ तो सही, लेकिन आप आगे नहीं। तो मेरी बातें किसी को बुरी लगी होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी। मेरा कोई मकसद नहीं था किसी को तकलीफ़ पहुँचाने का, बस मोहब्बत से रहो, छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी खुशी रहो। अगर लोग चल जाते हैं तो बस अफसोस आता है। तो बस ये था मेरा ब्लॉग, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर मैं नहीं दूंगी, बस मेरा दिल किया आप सबसे इस मैटर पे बातें करने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं कुछ लगता है मेरे मन में चलते रहता है कि मैं आप सबसे बातें करूँ, कुछ ऐसे टॉपिक पे मैं अच्छी अच्छी बातें करूँ, तो मैं अपना राय ये दी हूँ। आप सब कमेंट्स करके मुझे अपनी राय बता सकते हैं। तो बस जुल्म करना बंद कर दो सास पे, जो सासें सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, मैं यही बोलूँगी। और बहू को भी मैं ये बोलूँगी, जो बहू हैं, जो प्यार से रहो और नज़रअंदाज करो। ज़्यादा बातों को दिल पे लगाओगे, दिमाग पे लगाओगे, तो अपना ही नुकसान होगा, अपनी तबीयत ख़राब होगी, डिप्रेशन में जाओगे। और ये ससुराली मुआशरा जो है ना, बहुत जालिम है, तो प्लीज़ इस पर इग्नोर करो। इग्नोर करोगे तभी खुश रह पाओगे, जी पाओगे, नहीं तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, और बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतना हंस के बात कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं रही नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ सास ससुर फैमिली या टॉर्चर, ये सब मेंटली, ये सब चीज़ मैं सब चीज़ से गुजर चुकी हूँ। जो गुजरता है ना, जो ये सब चीज़ झेलता है, जो वही समझ सकता है, वही ये सब बातें कर सकता है, और जिस पर नहीं बीतती है ना, वो नहीं कर सकता है।
तो मेंटली डिस्टर्ब मत करो बहू को, बहू को भी उसकी ज़िंदगी जीने दो, उसे भी जीने का हक है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स करें, नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।